मान लो तीन प्लेट्स हमने ऐसे रख दी, है ना? इनका सरफेस एरिया ए है, तीनों का सरफेस एरिया कितना है ए। इस पे इनिशियल चार्ज जीरो कूलम है, इस पे प्लस क्यू है, इस पे जीरो है, ठीक है? इनिशियल चार्जेस दे रखे हैं ये। फिर हमने क्या करा, एक बैटरी कनेक्ट कर दी इक्वल टू जीरो पे। क्या करें, एक बैटरी कनेक्ट कर दी 10 वोल्ट्स की। देखो, फाइंड द फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आफ्टर द स्विच इज क्लोज्ड। फाइंड द फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आफ्टर द स्विच इज क्लोज्ड। तो देखो, अपन ने पिछली बार पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, जब पैरेलल प्लेट्स होती है तो आउटर मोस्ट सर्फेस पे क्या चार्जेस आते हैं, टोटल बाई टू, तो प्लस क्यू बाई टू, और प्लस क्यू बाई टू तो यहाँ जाएगा, इधर प्लस क्यू बाई टू आएगा तो यहाँ पे कितना आएगा, नहीं अब वो बैटरी से कनेक्टेड है, बैटरी चार्ज दे सकती है, समझ में आ रहा है? ठीक है। तो हमको नहीं पता क्या आ रहा है ना, तो मान लेते कुछ भी, मान लो यहाँ पे क्यू बना गया, यहाँ पे कितना आ गया, इधर माइनस क्यू बनाएगा तो इधर कितना आएगा, ये किसी से कनेक्टेड नहीं है, तो चाहे तो तुम नया मान लो क्यू टू, मान लो इसको माइनस क्यू टू मान लो। अब लिख दो, चलो अब ध्यान से देखो, ये दो कैपेसिटर बन रहे हैं, सी कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। देखो दोनों का एरिया सेम है, डी भी सेम है, तो दोनों का कैपेसिटेंस आइडेंटिकल होगा, ठीक है? तो देखो, इसको तुम ऐसे भी बना सकते हो, चाहो तो ऐसे भी देख सकते हो तुम इसे, ये 10 वोल्ट की बैटरी है। ये दो प्लेट को ऐसे अलग अलग करके देख लो, है तो सेम ही ना, ऐसे बना हुआ कंडक्टर है, ये तो है कनेक्टेड है अभी भी, तो इसका कैपेसिटेंस सी हो गया, इसका भी कैपेसिटेंस सी हो गया, Q1 माइनस Q1, Q2 माइनस Q2, ठीक है? तो अगेन अब किसको करते थे, इसका पोटेंशियल मान लो 0 वोल्ट है, इसका पोटेंशियल मान लेते हैं 10 वोल्ट है, इसका पोटेंशियल नहीं पता ना, Vx मान लो, क्या करें, इसका पोटेंशियल Vx मान लेते हैं, लगाओ फिर से जो भी करा था करो, इनिशियल फाइनल चार्जेस को इनिशियल चार्जेस से इक्वेट करो, है ना? इन दोनों का चार्ज का सम क्या होना चाहिए, क्यू, और इसका भी क्या होना चाहिए, देख लेना जो भी था इनिशियल, है ना? फाइनल चार्ज को इनिशियल चार्ज से इक्वेट कर दो। देखो, अब दो तरीके तुम्हारे पास करने के, एक मेथड नंबर 1 है जो हमने पढ़ी थी, मेथड नंबर 2 है, जिससे मन करे उससे कर दो, दोनों से हो जाएगा। चलो मेथड नंबर 1 से करो, चलो कहूँगा सब लोग मेथड नंबर 1 से करो इसको। भूल जाओ ये पोटेंशियल, भूल जाओ, मेथड नंबर 1 क्या थी भाई तुम्हारी, किरचॉफ्स का बनाओ, सेकंड लॉ लगाओ बस, इधर पे कितना है क्यू बाई टू, इसको भूलना मत, ये भी है भाई कंजर्वेशन में हेल्प करेगा, तो करो एक बार इस पे लगा दो, किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ लगा दो, फिर सेकंड लॉ लगा दो, आ जाएगा आंसर, एक इधर लगा दो, एक देखो ऐसा होगा, बैटरी को पास करते हुए जाएंगे, ऐसा होगा ना, देखो दो ऐसे बनेंगे, है ना? इन दोनों का कंसर्व रहेगा, इन दोनों का रहेगा, तो पहले इक्वेशन क्या आएगा किरचॉफ्स के फर्स्ट लॉ से, माइनस क्यू वन प्लस क्यू टू इक्वल टू कैपिटल क्यू, यहाँ पे क्या आएगी इक्वेशन, क्यू बाई टू प्लस क्यू वन प्लस क्यू बाई टू माइनस क्यू टू इक्वल टू, इनिशियली कितना था इस पे, जीरो इन दोनों प्लेट पे, अभी भी कितना रहेगा, क्योंकि बैटरी कोई नेट चार्ज नहीं देती, तो देखो इससे क्या निकल के आया, Q1 माइनस Q2 इक्वल टू माइनस क्यू। देखो इसने कोई नई इक्वेशन दी क्या, नहीं दी, इसने हमारे रिपीट कर दी, तो अभी हमारे पास एक ही इक्वेशन है, वेरिएबल कितने हैं, तो किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ चाहे इस पे लगा लो, इस पे लगा लो, वो एक ही सेम इक्वेशन दे रहे हैं, इक्वेशन को रिपीट कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि प्लेट्स पे इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं, आया क्या समझ में? तो इसने कोई नई इक्वेशन दी क्या, तो अभी हमारे पास एक ही इक्वेशन है, वो किससे आई, किरचॉफ्स के पहले लॉ से, अगली इक्वेशन कैसे लाएं, लगा दो किरचॉफ्स का दूसरा लो, लगा दो लूप पे, आ जाएगा, करो, ये समझ में आ गया ना, ये जो करा है अभी किरचॉफ्स का फर्स्ट लो ही तो लगाया है,
चलो किरचॉफ का वोल्टेज लगाते हैं भाई, ऐसे लगा देते हैं। चलो यहाँ से यहाँ गए माइनस टेन, तो यहाँ पे क्यू बना रहे पहले क्यू वन बाय सी, तो यहाँ पे गए क्यू टू आया क्यू टू बाय सी, इससे क्या आ गया तुम्हारा, तो क्यू वन प्लस क्यू टू इक्वल टू टेन सी आ गया। और सी क्या है तुम्हारा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। मान लो डी तुम्हारा 1 मीटर है और एरिया तुम्हारा, अच्छा छोड़ो यार वो छोड़ो, वो तो आ जाएगा, डी रख दो अभी, तो डी के टर्म में कर देते हैं, वो तो आएगा क्वेश्चन तो कर लोगे ना। तो टेन इंटू सी आ गया, यहाँ पे सी कूलम नहीं है, सी कैपेसिटेंस है ना, सी की वैल्यू क्या है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। यानी पोटेंशियल तो ये ड्रॉप करवा रहा है ना, हम इधर से इन्फिनिटी पे थोड़ी ना जा रहे हैं, ये तो बाहर की तरफ है, पोटेंशियल तो यहाँ से यहाँ ड्रॉप हो रहा है, वो ये वाला करवा रहा है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉप करवा रही है, मतलब ही नहीं उसे कोई, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आएगी वो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट कर देगी, इसलिए रखा था उसे। प्लेट्स के अंदर ही होते कैपेसिटर के चार्ज, मतलब प्लेट के अंदर इंटरनल सर्फेस पर होते हैं हमेशा कैपेसिटर के चार्ज, आउटर वाला नहीं होता, वो कैपेसिटर कहलाता भी नहीं है। अच्छा सी को अपन देखो मान लेते क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, मान लो गिवन है तुम्हें सी इज इक्वल टू 1 माइक्रोफेरेड, मान लो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं मान के, और क्यू कितना लेना है, क्यू ले लो इनिशियली 10 कूलम दिया है, करो क्वेश्चन सॉल्व करो, डेटा दे दिया हमने, करो सॉल्व। चलो कितना आ रहा है क्यू वन क्यू टू बताओ फिर, क्यू वन 0 आ गया इससे, ठीक है अपना क्या आ रहा है क्यू वन माइनस क्यू टू है अपना माइनस क्यू कितना है, क्यू को 10 माना -10 हो गया, क्यू वन प्लस क्यू टू कितना हो गया 10, तो दोनों का ऐड करो 2Q1 = 0, तो Q1 हमारा 0 आ गया, Q2 कितना आ गया हमारा 10 कूलम, ठीक है तो हो गया हमारा आंसर आ गया, डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लिया हमने। अब इसमें यही क्वेश्चन पूछे, फाइंड द चार्ज गिवन बाय द पॉजिटिव प्लेट ऑफ द बैटरी, क्या होगा बताओ, चार्ज गिवन बाय द पॉजिटिव प्लेट ऑफ द बैटरी क्या होगा, 5 माइक्रो कूलम, बिल्कुल सही। देखो फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा आ रहा है तुम्हारा, प्लस क्यू मतलब 10 है, तो इधर पे प्लस 5 है, इधर पे प्लस 5 है, क्यू वन तुम्हारा 0 हो गया, तो अंदर तुम्हारा 0 इधर 0, इधर पे कितना आ रहा है 10 और -10, तो देख लो पहले तो चार्ज कंजर्व है, 10 + 0 इनिशियल चार्ज के बराबर है, और इधर इनिशियली इस प्लेट पे 0 था, तो मतलब यहाँ से 5 निकला होगा, 5 आया कहाँ, बैटरी से ही आया है, उस पर देखो आगे समझ में, तो इधर से 5 निकला है, देखो इधर से -5 निकला है, देखो अभी इधर पे टोटल कितना रहा -10 + 5, -5 कहाँ से आया, वो इनिशियली तो 0 था, तो बैटरी ने -5 दिया, देखो तो क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकते हैं, फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पूछ लेंगे प्लेट्स में, या फिर पूछ लेंगे बैटरी ने कितना चार्ज दिया, तो वो भी देखो निकल के आ रहा है, आया क्या समझ में, तो बैटरी ने कितना चार्ज दिया है -5। इसमें देखो अगला क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अगर इसका पोटेंशियल मैं 0 वोल्ट मान रहा हूँ, तो इस वाले का 10 वोल्ट हो जाएगा क्योंकि बैटरी है, इसका पोटेंशियल कुछ Vx है, फाइंड Vx, मतलब जो बीच वाली प्लेट है बताओ उसका पोटेंशियल कितना होगा, करो फाइंड Vx। एक तरीका तो है कि जो फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसको यूज करके निकाल लो, वो आसान तरीका है ना, पर इससे नहीं करना, मान लो ना, मान लो अगर क्वेश्चन में सीधा Vx ही पूछा होता तो हम इतना सब थोड़ी ना करते, सीधा Vx पूछा होता तो क्या करेंगे, मेथड नंबर 2 करो, मेथड नंबर 2 से बताओ Vx क्या आएगा, इसका पोटेंशियल मान लो Vx है, इसका 0 है, इसका कितना है 10 वोल्ट्स, करो, और इस पे इनिशियल चार्ज था प्लस क्यू, तो अपन क्या लिखते हैं, अपन मान लेते थे इसमें मान लो Q1 है, इस पे Q2 है ना, फाइनल यही आ गया मान लो, ये तो लिखेंगे Q फाइनल इक्वल टू Q इनिशियल कितना है प्लस क्यू, क्यू फाइनल कितना है Q1 प्लस Q2, ये तो है, तो Q1 कितना है तुम्हारा C कितना है इसका C, और V कितना हो जाएगा Vx माइनस 10, Q2 कितना हो जाएगा Vx माइनस C इंटू Vx माइनस 0 इक्वल टू प्लस क्यू, तो देखो इससे तुम्हारा वो निकल के आ गया Vx निकल के आ गया, Vx कितना आ गया हमारा Vx माइनस 10 प्लस, तो ये हो गया 2Vx माइनस 10 इक्वल टू क्यू बाय सी, तो Vx निकल के आ गया अपना क्यू बाय सी प्लस 10 डिवाइडेड बाय हाफ,
और क्यू बाई सी कितना था अपना, क्यू अपन ने 10 कूलम माना है, सी 1 माइक्रो माना था, तो 10 प्लस 10 20, 20 बाई 2, तो वी एक्स इतना आ गया 10 वोल्ट। और आना भी चाहिए था, क्यों? क्योंकि तो अपन ने निकाला था यहाँ पे चार्ज जीरो है, क्यू इक्वल टू सी वी होता है, अगर चार्ज जीरो है मतलब पोटेंशियल ड्रॉप ही नहीं हो रहा, तो जो इसका पोटेंशियल होगा वही इसका पोटेंशियल होगा, सारा का सारा पोटेंशियल इसी के अक्रॉस ड्रॉप हो रहा है। देखो कोई डाउट है तो दोनों मेथड से दिख रहा है। देखो अगला क्वेश्चन, कोई चार प्लेट्स इक्विडिस्टेंट है, डी डी ठीक है, इसके अक्रॉस बैटरी लगा दी 10 वोल्ट की लगा दो, और इन दोनों को नहीं इसके अक्रॉस मत लगाओ, ऐसे बैटरी इन दोनों के अक्रॉस लगाई है ठीक है, और इन दोनों को कनेक्ट कर दिया, इन दोनों प्लेट्स को कनेक्ट कर दिया, इनिशियली सारी न्यूट्रल है, फाइंड द फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये चार प्लेट्स है ना, इनिशियली सब क्या है न्यूट्रल, इनिशियली ऑल द प्लेट्स आर न्यूट्रल, फाइंड द फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब हर एक सरफेस पे कितना चार्ज आएगा बताओ। करो चलो देखो करते हैं इस तरह क्वेश्चन, देखो कैसे करेंगे प्लेट्स को, देखो सबसे पहले इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाने की कोशिश करा करो, है ना जैसे इसका एरिया ये मान लेते हैं, तो हमको क्लियरली दिख रहा है हर एक का कैपेसिटेंस कितना है, ये दोनों एक कैपेसिटेंस बनाएंगे, ये दोनों है ना एप्सिलॉन नॉट ए बाय टी, है ना इसका पोटेंशियल बी मान लो, है ना बी है ना, तो देखो इनको नंबर दे दो ना, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, हर एक सरफेस को एक नाम दे दो, 4, 5, 6, 7, तो कितने सर्फेसेज यहाँ पे 8। अब इक्विवेलेंट सर्किट बनाने की कोशिश करो, तो देखो 2 और 3 प्लेट्स एक दूसरे को फेस कर रही है, तो 2 और 3 मिलके एक कैपेसिटर बन जाएगा, मान लो इधर बोल दिया 2 बोल दिया 3 बोल दिया ठीक है, अब 3 देखो 3 बैटरी से कनेक्टेड है ना, तो 3 को अपन को बैटरी से कनेक्ट करना है, अपन को ये बात पता है ना ठीक है, 2 वाली दो और हमें पता है, चलो भी बनाते हैं 4 और 5 है ना, 4 और 5 एक कैपेसिटर है, और हमको दिख रहा है 5 वाला किससे कनेक्टेड है, 2 वाले से ठीक है, तो बना दिया मान लो ये 4 है ये 5 है, मुझे नहीं पता बनाने की कोशिश कर रहे हो कुछ भी है ना, और दिख रहा था 2 और 5 कनेक्टेड है, कर दिया देखो कर दिया ना ठीक है, अब 4 वाला किससे कनेक्टेड है, 4 वाला बैटरी से कनेक्टेड है, और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, तो ऐसे कर दो ठीक है, अब देखते हैं अब क्या है, अब कौन सी 6 और 7 मिलके भी कैपेसिटर बना रहे हैं, और 6 वाला किससे कनेक्टेड है, 5 वाले से, तो 6 वाले को बना देते हैं, ऐसा बना दो कैसे भी कनेक्ट कर दो, 6 वाला बन गया, और 7 वाला उसको फेस करेगा, 7 वाला इसको फेस कर रहा है, और 7 वाला किससे नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो ये तुम्हारा बन गया, पहला और 8 सरफेस कोई भी कैपेसिटर नहीं बना रहा है, उससे कोई ना फर्स्ट और 8 क्या कर रहा है, कोई भी कैपेसिटर नहीं बना रहा, उसमें चार्ज क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि बोल रहा था आउटर मोस्ट सर्फेसिस पे चार्ज होता है टोटल बाई 2 और इनिशियली न्यूट्रल है, तो 0/2, 0/2, ये कोई कैपेसिटर नहीं है ना, 3 कैपेसिटर है, समझ में आया क्या, ये तुम्हारा इक्विवेलेंट बन गया ना सर्किट, और ये क्या है तुम्हारा सी सी सी। अब इसको सॉल्व करना बहुत आसान है, देखो देखो 2 पैरेलल और 1 सीरीज हैं, अब फटाक से आंसर आ जाएगा, जल्दी बताओ क्या आंसर है। अच्छा ये समझ में आया, ये जो बनाया है नंबरिंग कर दो और देखो कौन कौन किसके पैरेलल है, कौन किससे कनेक्टेड है, वैसा बना के देखो, हर एक का सेम नहीं बनेगा, पर अल्टीमेटली 2 पैरेलल और 1 सीरीज आएंगे ना, है ना, इसको तुम इधर की जगह इधर बना सकते हो, इधर बना सकते हो, क्या फर्क पड़ता है, पर कनेक्शन ऐसे ही होंगे। तो देखो यहाँ पे आप दिख रहे हैं ये दोनों किसमें पैरेलल है, तो क्या होगा ऐड हो जाएंगे सी प्लस सी 2C, तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, ये 2C आ गया हमारा, और ये सीरीज में अगला, और ये बैटरी लगी है, कैसे लगी है बैटरी, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पर है ना, तो ये वी है, ये 2C है, सी है, अब ये 2C और सी हमारे क्या है सीरीज में है, तो इनको कंबाइन करेंगे तो सी इक्विवेलेंट क्या आएगा, 2C इंटू सी बाय 2C प्लस सी 3C, तो 2C/3 आ गया, तो इसका इक्विवेलेंट क्या बन जाएगा, तो इसमें कितना चार्ज आ जाएगा, इसका पोटेंशियल भी है, तो 2CV/3 और इस वाले पे -2CV/3 आ जाएगा,
मतलब इतना चार्ज बैटरी से निकला है। तो ठीक है यहाँ पे करते हैं, बैटरी से निकालो ये दोनों आइडेंटिटी। देखो इधर से तो नेगेटिव निकल जाएगा माइनस टू सी बी बाई थ्री, इधर पे टू सी बी बाई थ्री, अब इधर से पॉजिटिव से टू सी बी बाई थ्री निकला है। ये आ गया, इधर पे दिखाना चाहो तो दिखा दो, जीरो इधर पे, जीरो इधर पे, सेकंड सरफेस पे कितना है माइनस सी बी बाई थ्री, थर्ड पे सी बी बाई थ्री, फोर्थ पे सी बी बाई थ्री, फिफ्थ पे माइनस सी बी बाई थ्री, सिक्स्थ पे टू सी बी बाई थ्री, सेवेंथ पे माइनस। देखो ये आ गया तुम्हारा फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ ठीक है लिखो, देखो स्विच S1 इज क्लोज्ड फॉर द सफिशियंट टाइम, स्विच S1 इज क्लोज्ड फॉर सफिशियंट टाइम एंड देन एट t इक्वल टू जीरो S1 इज ओपन एंड S2 इज क्लोज्ड, फाइंड द फाइनल चार्ज ऑन बोथ द कैपेसिटर्स, फाइंड द फाइनल चार्ज ऑन बोथ द कैपेसिटर्स। देखो क्या होगा, देखो भाई देख लो एक बार, S1 को क्लोज कर दिया, क्लोज मतलब कनेक्ट है ना, तो ये तो ओपन है, इसमें से चार्ज फ्लो करेगा, ये चार्ज हो जाएगा, ठीक है, ये तो अभी डिसकनेक्टेड है। अब तुमने बैटरी हटा दी, S1 ओपन करना मतलब बैटरी हटा दी और इसको कर दिया, तो अब ये दोनों कैपेसिटर कनेक्टेड हो गए, तो इसमें से चार्ज फ्लो करके इसमें जाएगा, तो फाइनल चार्ज क्या होगा ये करना है। तो सबसे पहले तो S1 को क्लोज करने पे इस पर कितना चार्ज आया वो निकालो, दो स्टेप में होगा ना क्वेश्चन, चलो करते हैं। देखो भाई सबसे पहले इनिशियली क्या है, ये ओपन है, इसको क्लोज कर रखा है, तो बताओ इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल आ रहा है, वी आ रहा है, तो कितना चार्ज आ जाएगा इसमें इनिशियली, टू सी बी और माइनस टू सी बी, है ना, तो क्योंकि S1 को तुमने सफिशियंट टाइम के लिए क्लोज कर दिया तो इस पर इतना चार्ज आ गया। अब S1 को ओपन कर दिया मतलब बैटरी हटा, तो बैटरी का कुछ काम नहीं है, और इसको क्लोज कर दिया ना तो ये कनेक्ट कर दो, तो अब क्या होगा जब इसको कनेक्ट कर देंगे, तो इनिशियली न्यूट्रल था, इसमें से कुछ चार्ज फ्लो करके यहाँ पे जाएगा, वही तो हमें निकालना है, मान लो इसमें से क्यू चार्ज फ्लो कर गया, तो यहाँ पे Q आ गया, यहाँ पे माइनस Q, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ठीक है समझ में आ गया, ठीक है, तो इधर पे से Q चार्ज फ्लो कर रहा है तुम्हारा, तो किरचॉफ का पहला लॉ यही लग गया, दिख रहा है, ठीक है, अब क्या करें, अब Q निकलते ही आंसर आ जाएगा। अच्छा यहाँ तक समझ में आया, लूप लगा दो आंसर आ जाएगा। या फिर सिंपली क्या बोल सकते हैं, दोनों पैरेलल हैं तो दोनों का पोटेंशियल सेम होगा ना, तो इनका पोटेंशियल इक्वेट कर दो, सब सेम ही बात होती है ना, चलो लूप लगा देते हो, तुम लूप बोले तो लूप लगा दो, सब सेम ही होता है, तुम अलग अलग तरीके से करा करो, सब सेम चीज है, ठीक है, तो चलो लूप लगा देते, यहाँ से स्टार्ट करते, क्या आएगा माइनस क्यू बाई सी, फिर हो गया क्वेश्चन सॉल्व, सी सी ऊपर जाके चला गया, तो क्या आ गया माइनस टू क्यू प्लस टू सी वी माइनस क्यू इक्वल टू जीरो, तो टू सी वी इक्वल टू थ्री क्यू, क्यू इक्वल टू कितना आ गया टू सी वी बाई थ्री, तो निकल गया दोनों पे आंसर आ गया टू सी वी बाई थ्री एंड फोर सी वी बाई थ्री, फाइनल चार्ज आ गए दोनों पे। तो इस तरह के क्वेश्चन कर लोगे, जब दो कैपेसिटर को कनेक्ट करेंगे तो चार्ज सेम नहीं होता, पोटेंशियल सेम होता है, आई बात समझ में, लोगों ऐसे नोट करके लिखो, When a neutral capacitor is charged using another capacitor, when a neutral capacitor is charged using another capacitor, their potential becomes same.